Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. अलबर्टा में फायर फाइटर जंगलात में आग पर काबू पाने में मसरूफ। रीजनल सिटी काउंसिल में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के हवाले से तहरीक पेश। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग का कैनेडियन पार्लियामेंट में पेश ना होने का फैसला। जोड़ी विल्सन डिबोल्ट और जेन फिलपोर्ट का आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप जापान की सालसी में ईरान से मुजाकरात पर आमादा। बरतानवी वजारत उज़्मा की दौड़ में साजिद जावेद भी शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। यू आर अनएबल टू सिक्योर अ लोन, क्रेडिट और अ मॉर्गेज, गिव मी अ कॉल, आई विल गेट यू कमिटमेंट, दैट इज माय कमिटमेंट। 416-300-9292. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे गर्म दर्जा हरारत, शदीद हवाएं और बारिशों के ना होने के सबब शुमाली अल्बर्टा के फायर फाइटर के लिए सूरत हाल को गैर मुतवक्का बनाया जा रहा है। ताहम हुकाम का कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि मुतलका कम्युनिटीज़ को आग से बचाया जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर्म दर्जा हरारत, शदीद हवाएं और बारिशों के ना होने के सबब अल्बर्टा के फायर फाइटर के लिए सूरत हाल को गैर मुतवक्के बनाया जा रहा है। ताहम हुकाम का कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि मुतलका कम्युनिटीज़ को आग से बचाया जा सके। सबसे बड़ी आग शुमाली अल्बर्टा में जनूब मशरक में 3 किलोमीटर के रकबे पर लगी, जहाँ पर अमला बलडोजिंग, बैग बर्निंग, वाटर बॉम्बिंग के जरिए आग से निमटने की कोशिश कर रहा है ताकि आग को टाउन तक फैलने से रोका जा सके। इंसिडेंट कमांडर स्कॉट एलोइड का कहना है कि जैसा कि हमने पेशगोई की थी कि आग शदीद सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, जिसके नतीजे में हम किस तरह से आग पर काबू पा सकते हैं। उनका कहना है कि मौसमी सूरत हाल गैर मुतवक्के है। उनका ये भी कहना है कि हम बादस्तूर गर्म और खुश्क हवाओं का सामना कर रहे हैं और हम तब तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे जब तक हम आग पर मुकम्मल काबू न पा लें। कैनेडियंस की जानिब से हर साल अरबों की तादाद में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते हैं, जो की गंदगी का बाइस बनती है। रीजनल सिटी काउंसिल की जानिब से एक तहरीक पास की गई है, जिसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे की क्रॉकरी बैग, आउट कंटेनर्स और स्ट्रॉ शामिल हैं, उनके माहौलियात पर असरात से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार करना है। कैनेडियंस की जानिब से हर साल अरबों की तादाद में प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि गंदगी का बाइस बनते हैं। रीजनल सिटी काउंसिल की जानिब से एक तहरीक पास की गई है, जिसका मकसद है सिंगल यूज प्लास्टिक जैसा कि क्रॉकरी बैग्स, टेक आउट कंटेनर्स और स्ट्रॉ शामिल हैं, उनके माहौलियात पर असरात से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार करना है। कैनेडा में वेस्ट रिडक्शन वीक के मुताबिक कैनेडियंस की जानिब से 57 मिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक स्ट्रॉ रोज इस्तेमाल की जाती है। रीजनल के मेयर माइकल फोगर को का कहना है कि ये एक आलमी मसला है जो हमारी जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है और हमें इस मसले को हल करने की जरूरत है। रिपोर्ट की मदद से उन अवामिल पर गौर किया जाएगा जिनका ताल्लुक सिंगल यूज प्लास्टिक से होगा और उसकी रोशनी में ये भी फैसला किया जाएगा कि इस पर कौन से कानून बनाए जा सके। कुछ बात करेंगे
फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग की जानिब से फैसला किया गया है कि वो कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं होंगे। दोनों को रवा हफ्ते कैनेडियन पार्लियामेंट की जानिब से समन जारी किए गए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग की जानिब से फैसला किया गया है कि वो कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं होंगे। दोनों को रवा हफ्ते कैनेडियन पार्लियामेंट की जानिब से समन जारी किए गए थे। कंपनी की जानिब से हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी केविन चैन, डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी नील पोर्टस को फेसबुक बानी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जगह पर भेजा जाएगा। मई के आगाज में एथिक्स कमेटी के सरबरा बॉब जिमर की जानिब से जुकरबर्ग पर सैंडबर्ग को समन जारी किए गए कि वो इंटरनेशनल ग्रांट कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो कि ओटावा में मुनक्किद हो रही है उससे कबल पार्लियामेंट में पेश हों। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक फेसबुक के तर्जुमान का कहना है कि हम कमेटी के साथ तमाम उमूर को शेयर करेंगे कि हम किस तरह से लोगों की मालूमात महफूज रखते हैं, जबकि इस पर भी गौर कर रहे हैं कि किस तरह से कमेटी के सवालों का जवाब दिया जाए। पार्लियामेंटेरियंस कमेटी में 10 के करीब ममालिक के नुमाइंदेगान शरीक हो रहे हैं जिनमें यूके और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। कुछ बात कर लेते हैं साबिक कैनेडियन वुजरा जोडी विल्सन रिबोल्ट और जैन फिलपोर्ट आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ताहम उनकी जानिब से ग्रीन पार्टी में शमूलियत का इशारा दिया गया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक कैनेडियन वुजरा जोडी विल्सन रिबोल्ट और जैन फिलपोर्ट ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ताहम उनकी जानिब से ग्रीन पार्टी में शमूलियत का इशारा दिया गया था। दो साबिक लिबरल्स और सियासी इत्तेहादियों ने अपने आइंदा के लाहे अमल का ओटावा में ऐलान किया। ग्रीन पार्टी की रहनुमा एलिजाबेथ मे का कहना है कि संजीदा मामलात के बाद भी अगर जोडी विल्सन रिबोल्ट और जैन फिलपोर्ट उनकी जमात को ज्वाइन नहीं करती तो इसमें उनका नुकसान हो सकता है। विल्सन रिबोल्ट जो कि कैनेडा पहली वफाकी वजीर और अटॉर्नी जनरल हैं, उनका कहना है कि बहैसियत एमपी काम करना उनके लिए बायस फखर है, जबकि वो आइंदा भी मुंतखब होकर हाउस ऑफ कॉमन्स में आना चाहती हैं। ताहम इस बार वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं होना चाहती। कुछ बात करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जापान सालिस का किरदार अदा करे तो अमरीका अपने सख्त हरीफ ईरान के साथ मुजाकरात करने पर राजी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जापान सालिस का किरदार अदा करे तो अमरीका अपने सख्त हरीफ ईरान के साथ मुजाकरात करने पर राजी है। बैन अल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने करीबी दोस्त जापान के वजीर आजम शिंजो आबे पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका तनाजे के हल के लिए जापान की सालिसी में ईरान के साथ मुजाकरात के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि जापानी वजीर आजम के ईरानी क्यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और अमरीका से भी जापान के दरीना ताल्लुकात हैं। मुझे अपने दोस्त शिंजो आबे पर मुकम्मल एतमाद है और ईरान भी जापान की सालिसी में मुजाकरात के लिए इनकार नहीं करेगा। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान से मुजाकरात का इंदिया इस वक्त सामने आया कि जब अमरीका ने ईरान की धमकियों के पेश नजर मशरिक वस्ता में बहरी बेड़े समेत फाइटर तैयारे और 1500 अमरीकी फौजी तैनात कर दिए हैं। कबल अजा अमरीका ने आलमी जौहरी तवानाई के मुहिदे से दस्तबरदार होते हुए ईरान पर सख्त इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी थी और ईरान से तेल दरामद करने वाले ममालिक का इस्तिस्ना खत्म कर दिया था, जिसके बाद कई ममालिक ने ईरान से तेल की दरामदात खत्म कर दी थी। वाजे रहे कि अमरीकी सदर इन दिनों 4 रोजा सरकारी दौर पर जापान पहुंचे और जापान के वजीर आजम से मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने जापान के शहनशाह से भी मुलाकात की और अहलिया मनालिया के हमरा शाही महल में शहनशाह की जानिब से ज़ियाफ़त में शिरकत की। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं बरतानवी वजीर आजम थ्रेसा मे के इस्तीफे के ऐलान के बाद वजारत उज़्मा की दौड़ में बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद भी शामिल हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी वजीर आजम थ्रेसा मे के इस्तीफे के ऐलान के बाद वजारत उज़्मा की दौड़ में बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद भी शामिल हो गए। साजिद जावेद इस वक्त बरतानवी वजीर दाखिला के ओहदे पर फाइज हैं और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में एक वीडियो पोस्ट की है। उसमें साजिद जावेद ने कहा है कि सबसे पहले हमें ब्रिस्केट पेश करना होगा, जैसा कि गुज़िश्ता रात के वक्त सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। हमें ब्रिस्केट पर काम करना होगा, उसके लिए एतमाद कायम करना होगा, इत्तेहाद होना चाहिए और पूरे बरतानिया में नए मौके कायम करना होंगे। 49 साल साजिद जावेद पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे हैं और उनकी पैदाइश रोशन डील में हुई है। वो ड्यूचर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। साजिद जावेद के ऐलान के बाद अब वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों की तादाद 9 हो चुकी है। अब वो कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा बनने की तगदो में भी है। थ्रेसा मे की तरह वो भी यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी के हक में है, जिन्हें ब्रेग्जिटर भी कहा जा सकता है। साजिद जावेद के ऐलान से कबल एक और उम्मीदवार डोमिंग रॉब अपने मुखालिफिन को टीवी पर मनाजरे की दावत दे चुके हैं। ये अमल कंजर्वेटिव पार्टी में गहरी तकसीम को भी जाहिर कर सकता है। वाज़े रहे कि थ्रेसा मे 7 जून को वजारत उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदार हो रही हैं। My name is Sajid Javid and I'm standing to be leader of the Conservative and Unionist Party and the next Prime Minister. My message is simple. It's time to rebuild trust,
to find unity and to create new opportunities for our country. As last night's results made all too clear, we must get on and deliver Brexit to ensure there's renewed trust in our democracy. We must bridge divides to heal communities, reminding us of our shared values as a united kingdom. And we must strengthen our society and economy so everyone can benefit from the opportunities which a prosperous nation provides. I love my country, and my pledge to the British people is to be a leader who is always straight, fighting for their interests. I entered politics to do my best for this country, the country which has done so much for me. As Prime Minister, I would strive to achieve that ambition every single day. इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।